निगम पार्षद वीना शर्मा ने वार्ड 16 एस जनकपुरी से हरियाली की चिंता करते हुए इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए सम विकास चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से अपने वार्ड में 1200 फलदार वृक्ष लगाने का काम किया और इस मौके पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। योजना बनाई है, उस योजना में हमारी सरकार ने 10 लाख पौधों के लिए एक टारगेट रखा, जिसमें 2 लाख पौधे हमारे एमजीडी ने इस योजना को अडॉप्ट किया कि एमजीडी की तरफ से 2 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जिस तरह से ये योजना बनी और हमारे साथ एनजीओ ने मिलकर इस प्रोग्राम को रखा और बहुत ही एक अच्छी योजना से इस कार्यक्रम को रखा गया है कि अभी 7 पार्क ऐसे बनाने की योजना की है कि वहाँ फल के पौधे, फूलों के पौधे और मेडिसिंस के पौधे वहाँ लगाए जाएंगे। उनमें एक एक पौधे का हम जिस तरह से वहाँ प्रत्यारोपण करेंगे, हर पौधे के लिए उसकी देखभाल के लिए और उसको किस तरह से आगे उसकी पालना की जाए, उसके लिए हमने एक एक व्यक्ति उसका पालक रखा है जो उसकी पालना करेगा। उसमें मेडिसिन का भी एक बहुत अच्छा हमने प्रायोजन रखा है। आपको पता है कि जैसे अभी बारिशों में डेंगू, मलेरिया इस तरह की जो बीमारियां फैलती हैं, तो उसको क्योर करने के लिए हमारे पपीते के पत्ते बहुत ज्यादा, पिछली बार भी जब यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा हुआ था तो पपीते के पत्तों की एक बहुत कमी सी महसूस हुई थी, तो पपीते के पत्ते काम आए जनता के, इधर उधर लोगों को ना भटकना पड़े, उसके लिए हमने ये पपीते के पत्तों का एक वहाँ पेड़ लगाने का एक आयोजन रखा। और गिलोह की एक बेल होती है जो कि उसमें गिलोह बहुत काम आती है हमारे डेंगू में, पिछली बार गिलोह की भी बहुत जरूरत पड़ी थी। तो इन सब चीजों को हमने जब अपने जहन में लेके आए तो हमने गिलोह की जिस तरह से सराउंडिंग जो हमारे पार्क है उनकी जो ग्रिल्स है उसपे हम उसको सराउंडिंग उसपे लगाएंगे, जिससे कि गर्मियों के बाद आने वाली बीमारियों जैसे चिकनगुनिया, डेंगू में काम आने वाले पौधे, फलदार वृक्ष और चिड़ियाओं के लिए घोंसले इस कार्यक्रम के तहत लगने तय हुए हैं। खैर, पार्षद वीरा शर्मा और सम विकास चैरिटेबल ट्रस्ट ने समय रहते एक कदम उठाकर समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया है जो कि आज वक्त की भी मांग है। न्यूज फोल्डर।